वेलकम टू माय चैनल। आज हम कलर्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कलर्स हमारी ह्यूमन लाइफ पे कितना बिग इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और ये इंटीरियर के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, वास्तु के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और हेल्थ के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कलर थेरेपी के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आज का कलर है येलो कलर। हर्सन ने कलर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, रेड, ब्लू, वाइट एंड येलो। उनके अकॉर्डिंग रेड इज मोटिवेटेड बाय एनर्जी, ब्लू इज मोटिवेटेड बाय इंटीमेसी, व्हाइट इज मोटिवेटेड बाय पीस एंड येलो इज मोटिवेटेड बाय फन। तो सही में आप इस कलर के साथ बहुत फन कर सकते हैं, अपने इंटीरियर में इतना फन फुल आप इंटीरियर कर सकते हैं। आप मल्टी कलर के साथ इस कलर को यूज कर सकते हैं, आप सिंगल कलर के साथ यूज कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट में भी बहुत अच्छा जाता है, जैसे ब्लैक के साथ, ग्रे के साथ, रेड के साथ। ये अपने सिमिलर कलर्स के साथ भी बहुत अच्छा जाता है, जैसे थोड़ा बहुत ग्रीन के साथ, ऑलिव ग्रीन, लाइट ग्रीन, पिस्ता ग्रीन इनके साथ, और ऑरेंज के साथ, क्रीम के साथ, क्रीम भी इसका एक पार्ट है, गोल्ड के साथ, गोल्ड भी इसका एक पार्ट है। तो ये जो कलर है ना, ये मोर वर्सटाइल कलर्स में आता है। एक व्हाइट और येलो, ये दो कलर्स है ना, ये कहीं भी किसी भी कलर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, किसी भी कलर को कम्प्लीमेंट देता ही नहीं इससे। आप इसको एज ए फोकस कलर्स में भी यूज कर सकते हैं, फोकस वॉल में यूज कर सकते हैं, फोकस फर्नीचर में यूज कर सकते हैं। तो ये जो कलर है, ये वार्म कलर में आता है, ये कूल कलर के साथ भी जाता है, ये वार्म कलर के साथ भी जाता है। और ये कलर पॉजिटिविटी का कलर है, ये आपका कलर प्रॉस्पेरिटी का कलर है, ये हेल्थ को इन्हेंस करता है। तो ये हर तरह से ये कलर जो है, ये हर एज ग्रुप के साथ जाता है। इसको कहीं भी आप किसी भी रूम में आप लगा सकते हैं, आप इसको किचन में यूज कर सकते हैं, आप इसको बेडरूम में यूज कर सकते हैं, आप इसको गेस्ट रूम में यूज कर सकते हैं, आप इसको ड्राइंग रूम में यूज कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में यूज करना भी चाहिए, क्योंकि वेलकमिंग कलर्स में भी आता है, सनशाइन कलर है, वेलकमिंग कलर है, तो ये ड्राइंग रूम में यूज करना चाहिए। और अगर ड्राइंग रूम ईस्ट साइड में है, तो इसको ईस्ट वॉल पे आप जरूर लगाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो और इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो आप इसको ईस्ट साइड में रखने की कोशिश कीजिए, किसी न किसी वे में इसको आप ईस्ट साइड में पुट कीजिए इस कलर को, चाहे वो प्लांट फ्लावर पॉट्स में फ्लावर्स लगाइए, या गोल्ड कलर का फ्लावर पॉट लीजिए, या फिर आप पेंटिंग लगाइए, कर्टन्स लगाइए, कोई वॉलपेपर लगाइए, कुछ भी आप थोड़ा बहुत इसको पुट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप मतलब इस टाइम में आप नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा पेंट वगैरह। वैसे अब तो सब कुछ खुल गया, अब तो सब कुछ हो सकता है, थोड़ी सा डिस्टेंस मेंटेन करके आप करवा सकते हैं। अगर आपको मतलब आपको लग रहा हो कि आपका जरूरत है आपके घर में करवाने की, तो आप करवा सकते हैं। अब येलो कलर आपको मैं बता दूं किस किस कलर के साथ बहुत बेस्ट लगता है। ग्रे के साथ लगता है, ब्लैक के साथ लगता है, ऑरेंज के साथ लगता है, ग्रीन के साथ लगता है, ब्लू के साथ लगता है, वायलेट के साथ लगता है। ये आप किचन में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, ड्राइंग रूम में, तो मैंने बता दिया आपको, कहीं भी आप लगाइए। येलो कलर की एक ड्रॉबैक ये है कि आप बहुत सारा, अगर बहुत एनर्जी वाला है ये कलर है, जिसको आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, बहुत एनर्जी वाला कलर है ये। तो ये वार्म कलर में आता है, तो अगर आप पूरे घर में येलो ही करा दिया, आपने पूरे एक रूम में येलो ही करा दिया, तो ये एंगरनेस को बढ़ाता है। ऐसा रिसर्च में आया है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड के रूम में अगर आपने येलो ज्यादा पुट किया, पूरा येलो रूम बनवाया उसके लिए, तो वो चाइल्ड एवरी टाइम रोता ही रहेगा, रिसर्च में आया है ऐसा। तो वैसे भी ये तो सबको पता है कि ज्यादा कुछ भी हानि ही करता है, तो थोड़ा बहुत इसको मिक्स एंड मैच करके चलिए, इसको किसी और कलर के साथ पुट कीजिए, और मल्टी कलर के साथ भी पुट कर सकते हैं। और फोकस वॉल में आप अगर लगाते हैं इसको, एकदम हाई कैचिंग हुआ, एकदम सीधा स्ट्रेट नजर उस पर जाएगी अगर आपने इसको फोकस वॉल पे लगाया। जैसे फोकस फर्नीचर बनवाया, सोफा बनवाया ऑफिस में, जैसे होता है गेस्ट एरिया में सोफा वगैरह, तो उसमें एक येलो कलर का सोफा रखा, तो एकदम आई कैचिंग होगा, सीधा उस पर नजर जाएगी। तो ये बहुत आई कैचिंग कलर में आता है, तो इसको आप इतना अच्छा प्ले कर सकते हैं
कि आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको पता लगेगा आपको जो भी कलर पसंद है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई भी कलर पसंद है, आप उसके साथ इसको पुट कीजिए और आपको बस आपका इंटीरियर निकल जाएगा। हाँ, इस साइड में आप जरूर कीजिए इसको। अभी फिलहाल के टाइम में जैसे कि मैंने बताया गोल्ड इसका एक पार्ट है, तो फिलहाल के टाइम में आप अगर पेंट नहीं करवा पा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप इसको फ्लावर्स में लगाइए, ईस्ट साइड में लगाने की कोशिश कीजिए। वास्तु बहुत बड़ा साइंस है, ये हमारा एंशियंट साइंस है, तो इसका कुछ तो बेनिफिट है, लोग मानते आए हैं तो कुछ तो है बेनिफिट, लेकिन अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी आप लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड में आप जरूर कोशिश कीजिए, फ्लावर लगाइए, कुशन कवर में लगाइए, गोल्ड का लीफ का काम किया हुआ कुशन कवर आता है, गोल्ड के फ्लावर वास आते हैं, गोल्ड कलर्स में आपके कॉटन के नॉट्स आते हैं, आप फर्नीचर में भी अगर आपके कार्विंग्स की भी फर्नीचर है उसमें भी गोल्ड का टच दिलवा सकते हैं, तो ये गोल्ड कलर भी येलो में आता है तो आपका येलो का काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कीजिए। हाँ, मंदिर में भी आप लगवा सकते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी का कलर है, ये कृष्ण भगवान का कलर है, तो ये आप मंदिर में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे से मिस हो गया था ये बोलना कि मंदिर में आप इसको लगवा सकते हैं, आप इसको मंदिर में भी लगवाइए। तो ये कलर मतलब मैं सजेस्ट करूंगी इस कलर को आप जरूर यूज कीजिए और इस साइड में जरूर यूज कीजिए, उससे आपको प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ में एनहेंस मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।